तो स्वागत है दोस्तों, मैं फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैंटसी कलेक्टर पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 के मैच नंबर 51 की, जो कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर। तो जैसा कि आपने नाम सुना मैदान का, और उसको सुन करके ही आपके दिमाग में एक जो चीज़ क्लिक करती है कि एक तगड़ी बैटिंग विकेट, जहाँ की बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी हैं तो छक्के तो जोरदार यहाँ पर लगते हैं, जो कि हुआ भी है इस पूरे सीजन के दौरान केवल पहले मैच को छोड़ करके। उसको हम आगे पिच रिपोर्ट में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप ऊपर मेरे देख पा रहे होंगे एक टाइटल जो लिखा हुआ है कि बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर्स आज के इस मैच में आपको जितवाएंगे, जो कि पिछले कुछ मैचेस में हो भी रहा है। तगड़ी बैटिंग विकेट्स पर जाकर के बॉलर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमको जितवाने में। और आप जाकर के मेरी टीम देखिए टेलीग्राम का चैनल पर, जो आपको मैं लगातार देता हूँ, जिसमें आपको मैं इनिंग के हिसाब से पहले तो वीडियो में समझा देता हूँ कि किस इनिंग की बॉलिंग या बैटिंग में किस बॉलर को आपको लेकर के जाना है, किसको नहीं लेकर के जाना है, सेम बैटर्स के साथ भी। और उसके बाद जो आपको मैं टीम देता हूँ उसमें आप देखेंगे तो एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मैं बॉलर्स पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा भरोसा करता रहा हूँ पिछले 2-3 मैचेस से खास करके। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो पॉइंट्स हमारे बनकर के निकल करके आते हैं वो फाइनली हमको जितवा देते हैं सिंगल हैंडेड। उसको जाकर के आप रिजल्ट्स में टेलीग्राम के चैनल पर जरूर चेक करिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, और जैसा मैंने आपको बताया कि मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर, और एक चीज आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक तगड़ी बैटिंग विकेट यहां पर आपको देखने को मिलती ही मिलती है, पॉसिबिलिटीज यहां पर ड्यू की काफी हाई होती है, चूंकि समुद्र के किनारे यह मैदान है। तो सेकेंड इनिंग की जो बॉलिंग होगी वहां पर स्पिनर्स तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो पेसर्स हैं खास करके यहाँ पर वो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लाल मिट्टी की विकेट यहाँ पर होती है और गेंद यहाँ पर अच्छी खासे सीम मूवमेंट के साथ आती है। हालांकि अगर आप देखें यहाँ पर तो जो पहला वाला मैच खेला गया था मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, वहाँ पर तो काफ़ी तगड़ी स्विंग देखने को मिली थी, जहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम केवल 125 रन बना पाई थी 20 ओवर के उस गेम में, जबकि उसके बाद जब चेज करने उतरी दूसरी जो टीम थी उसको भी शुरुआत में काफ़ी झटके लगे। 127 के स्कोर पर 4 विकेट इनकी गिरी थी टोटल, और 6 विकेट से उन्होंने मैच को जीता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआती झटके इनको भी लगे थे, राजस्थान की भी टीम को, लेकिन उसके अलावा पहली इनिंग के अंदर अगर आप देखें तो मुंबई के 46 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई थी। लेकिन उसके बाद पूरी तरह से टर्न अराउंड हुआ, यहां पर मुंबई और डीसी का मैच हुआ तो मुंबई ने 234 बना, उसके जवाब में डीसी भी 205 तक गई, और पावर प्ले की शुरुआत दोनों ही टीमों की काफी खतरनाक रही, इवन उसमें मुंबई की टीम ने तो 75 रन बना दिए। उसके बाद तीसरे मैच की तरफ आए तो आरसीबी और एमआई के मैच में 196 का स्कोर चेज किया मुंबई इंडियंस की टीम ने बहुत आसानी से, और उसके बाद यहां पर देखा सीएसके और एमआई के मैच में, तो यहां पर सीएसके की टीम ने पूरी तरह से आउट प्ले कर दिया मुंबई इंडियंस की टीम को ओस के बावजूद, और ये टीम चेज नहीं कर पाई स्कोर को। और यहां पर देखेंगे तो लगातार आपको एक चीज जो दिखाई पड़ेगी पावर प्ले के दौरान कि लगभग 4 मैचेस जो हुए हैं उसमें से 3 ऐसे मैचेस गए हैं जहां पर पावर प्ले में विकेटें जरूर आ रही हैं, और ऑन एन एवरेज 2 विकेटें। तो जो शुरुआती ओवर्स होंगे पहले 6 ओवर जो होंगे पहली इनिंग के वो भी, और जो सेकंड इनिंग के भी पहले 6 ओवर होंगे वो भी काफ़ी क्रूशियल होगा। हालांकि हमको जो एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये देखना पड़ेगा कि इस वाले पिच पर मैच होगा या इस वाले पिच पर मैच होगा जहां पर आखिरी मैच खेला गया था, और ओस जो कि लगभग तय है कि गिरेगी इस मैदान पर, तो उसकी वजह से कौन से बॉलर पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं हमारी टीम में से, उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। बाकी फिलहाल पिछले 12 मैचेस जो हुए इसमें से 7 बार जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, 38 विकेटें मिली हैं पेस को, 8 विकेटें केवल मिली है स्पिन को। इस मैदान पर जो पिछले 4 ये आईपीएल के मैचेस खेले गए तो आप देख ही पा रहे हैं कि स्पिन का क्या रोल यहाँ पर बचता ही नहीं बेसिकली, और उसमें से भी जब पहली ही इनिंग में विकेट आई है, सेकेंड इनिंग में तो पिछले 4 मैच में केवल एक ही विकेट किसी स्पिनर को मिला है, और जो पेस को विकेटें मिली है 19-19 करके दोनों इनिंग्स के दौरान। तो ये जो पिच रिपोर्ट है काफी क्लियरली हमको इंडिकेट कर देती है कि किस तरह से पेसर्स तो इंपॉर्टेंट है इक्वली दोनों ही इनिंग्स के अंदर, लेकिन स्पिनर्स का रोल यहां पर लगभग ना के बराबर है। अगर पहली इनिंग की जो टीम की बॉलिंग कर रही है उसके पास कोई क्वालिटी स्पिनर है तो वो जरूर हमारे काम यहां पर आ सकता है। लेकिन एक और अपडेट यहां पर है, अगर आपको पता हो ना पता हो तो बता ही दूं, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से हर्षित राणा फिलहाल इस मैच के लिए अनअवेलेबल है, बैन किए गए हैं, 100% मैच फीस का जुर्माना भी लगा है कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करने के चक्कर में, और उनकी जहां पर जो मुझे पॉसिबिलिटीज दिखाई पड़ रही है चेतन साकरिया की खेलने की वो काफी हाई है। और अगर चेतन साकरिया आज के इस मैच में खेलते तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, इनको आपने पिछले आईपीएल मैचेस में खेलते दिखाई देखा भी है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर जो कि पॉसिबली 4 ओवर की बॉलिंग भी करके देंगे। बाकी यहां पर आपके सामने कोलकाता का प्लेइंग 11 है, पॉसिबली प्लेइंग 12 कहना चाहिए, जिसमें एक इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट ऑप्शन भी आता है, और यह है मुंबई का जिसमें ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपन करते हैं, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर, उसके बाद नंबर 4 पर तिलक वर्मा,
हार्दिक पांड्या, नेहल वडेरा, टिम डेविड और बाकी जो सारे ऑप्शन हैं, और उसमें से भी अगर आप देखें बॉलिंग और बैटिंग के जो ऑप्शन इस टीम की तरफ से खेलते हैं उसमें नुआन थुसारा ने पिछले मैच में पूरे 4 ओवर किए। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं सूर्य कुमार यादव की जगह पर। हार्दिक पांड्या ने भी इंटरेस्टिंगली 4 ओवर किए पिछले मैच में, अच्छी बॉलिंग की, उसके पहले वाले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेट लिया था। बाकी 2 ओवर के थे मोहम्मद नबी ने, 3 ओवर के थे गिराल कोएडजी ने, 3 ओवर के थे पीयूष चावला ने और 4 ओवर के थे जसप्रीत बुमराह ने लास्ट वाले मैच में। और इस अटैक के सामने अगर आप इनकी बैटिंग देखेंगे तो फिलिप साल्ट और सुनील नारायण जो कि ओपन करते हैं, बाकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो पूरी तरह से ऊपर नीचे होता रहता है जरूरत पड़ने पर। कभी कभी अंगक्रिस रघुवंशी नंबर 3 पर आते हैं, कभी कभी वेंकटेश अय्यर, पिछले वाले मैच में रिंकू सिंह आए थे। बाकी श्रेयस अय्यर पॉसिबली नंबर 4 पर ही खेलेंगे, आंदर रसल और अमनदीप सिंह तो हैं ही। रसल 1-2 ओवर की ही बॉलिंग कर रहे हैं फिलहाल कंसिस्टेंटली हर मैच में। और बाकी मिचेल स्टार्क ने भी 3 ओवर लास्ट वाले मैच में किए थे, 4 ओवर के था वैभव अरोड़ा ने, 4 ओवर के थे वरुण चक्रवर्ती ने जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं अंगक्रिस रघुवंशी की जगह पर। तो ये दोनों टीमों का प्लेइंग 11 था जिसमें बॉलिंग स्टाइल और साथ ही साथ कितने ओवर्स की बॉलिंग होगी वो तो आप देख ही पा रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 में कौन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलता है वो भी आपने देखा। लेकिन एक और जो चीज उसमें देखनी बाकी है वो कि पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग करता कौन है इन दोनों टीमों की तरफ से। तो उसमें से मुंबई की तरफ से अगर नुआन थुसारा खेलेंगे तो पावर प्ले में बुमराह के साथ शुरुआत करेंगे और दोनों ही स्लिंगी एक्शन वाले बॉलर। नुआन थुसारा ने लास्ट वाले मैच में 3 ओवर किए थे पावर प्ले में, बुमराह ने 2 ओवर किए थे, कोएडजी ने 1 ओवर, और डेथ ओवर में नुआन थुसारा, बुमराह, कोएडजी, हार्दिक पांड्या और नबी ने मिलकर के 5 ओवर किए थे मुंबई की तरफ से। बाकी इनका बेंच भी आपके सामने है, यहाँ पर आपके सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा, चेतन सागरिया पॉसिबली अगर खेलते हैं तो, चूंकि हर्षित राणा नहीं है, और सुनील नारायण आपको यहाँ पर पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और सुनील नारायण इसलिए भी चूंकि टॉप ऑर्डर पर अगर आप देखेंगे तो इनका रोहित शर्मा के खिलाफ रिकॉर्ड खतरनाक है, इसके अलावा साथ ही साथ एक लेफ्ट हैंडर भी है ईशान किशन, तो उन दोनों को अगर हम देखें तो आउट करने के लिए जरूर इनको ट्राई किया जाएगा। बाकी डेथ ओवर में मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसल आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे ही। तो ये तो अगर आप देखें पावर प्ले और डेथ ओवर, साथ ही साथ नंबर ऑफ ओवर्स कौन कितने करेगा वो तो आपने देखा, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो टीम हमारी आगे बनेगी पूरे स्टैट्स को ध्यान में रखने के साथ साथ, और जो आपने पिच रिपोर्ट देखा वहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया है कि ओवर्स गिरेगी तो वो काफ़ी इंपैक्ट करेगी आज के इस मैच में और उस टीम को जितवा देगी जो कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगा। तो जो भी अपडेट्स टॉस के बाद होंगे उसके बेसिस पर जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, जिसको जाकर के आपको इसी वीडियो में दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो एक पिन कमेंट में भी एक लिंक दे रखा है आपको मैंने, दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, जो लिंक है उसको क्लिक करिए, इस टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए और यहीं पर आपको एक ज्वाइन बटन दिखाई पड़ेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से वहीं पर जाकर के ज्वाइन करिए उस लिंक को क्लिक करने के बाद इस टेलीग्राम के चैनल पर, जहां पर आपको मैं फर्दर सारे अपडेट्स तो देता हूँ टॉस के बाद की कि पिच कैसी है, ओस गिरेगी कि नहीं गिरेगी, साथ ही साथ प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर क्या है, कौन इंपैक्ट प्लेयर ग्रुप में आएगा और साथ ही साथ क्या हमारी टीम होगी, ग्रैंडली की टीम भी देता हूँ, विनिंग्स भी शेयर करता हूँ, जाकर के ज्वाइन जरूर करके रखिए। और ध्यान रखिएगा 2000 लाइक का टारगेट रहेगा हमारा, वो आपको जरूर पूरा करवाना है। बाकी यहाँ पर हम आ चुके हैं स्टैट्स की तरफ, यहाँ पर हम जब शुरू करते हैं स्टैट्स को तो सबसे पहले जैसे मुंबई इंडियंस की टीम है इनके प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म आप देखेंगे, यहाँ पर आप इनका T20 करियर पूरा देखेंगे कि इनिंग के हिसाब से किस तरह से चलता है, और इनिंग के हिसाब से जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रोहित शर्मा है तो पहली इनिंग में 30 का एवरेज, सेकेंड इनिंग में 29, तो बिल्कुल इक्वल परफॉर्म करते हैं दोनों इनिंग्स के बैटिंग में। जबकि ईशान किशन का देखेंगे तो सेकेंड इनिंग का थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कह सकते हैं आप कि दोनों का ही अगर आप देखें जो ओपनर्स हैं दोनों ही चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो लगभग इक्वल परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह से आपको दिखाई पड़ेगा सूर्य कुमार यादव का भी, और काफी हद तक ठीक वही आपको देखने को मिल जाएगा तिलक वर्मा का। तो जो चारों ही खिलाड़ी हैं किसी भी इनिंग की बैटिंग हो आपके लिए काफी बेहतर ऑप्शन होते हैं, तिलक वर्मा का थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज। उसके बाद आते हैं नेहल वढेरा जो कि अगर आप देखेंगे तो साफ साफ पहली इनिंग के लिए आउट एंड आउट जबरदस्त बैटिंग ऑप्शन है, सेकेंड इनिंग का भी एवरेज इतना बेहतर है कि आप इनको टीम में ले सकते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे हो जाता है और सेकेंड इनिंग की बैटिंग अगर मुंबई की आ जाती है तो आपको पता ही है ओस गिरेगी, और ओस गिरेगी तो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज होती है कि टॉप ऑर्डर ही मैच को निपटा दे, तो वहां पर इनको वैसे भी लेने की जरूरत नहीं है नेहल वढेरा को। बाकी फॉर्म अच्छी है, 3 मैचेस खेले हैं 46-4 और 49 की 3 बारी खेली है, रोहित शर्मा का फॉर्म तो आपको समझ में आता ही है किस तरीके से खेलते हैं। बाकी ईशान किशन भी बहुत अच्छे तगड़े फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े, और ये जो 32 की पारी पिछले मैच में खेली थी उसके लिए इन्होंने 36 गेंद लगा दी थी। बाकी सूर्य कुमार यादव का भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ा है, बाकी तिलक वर्मा ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है लास्ट वाले मैच को छोड़ करके। इसके बाद हार्दिक पांड्या जैसा आपको मैंने कहा भी था लास्ट वाले मैच में 2 विकेट लिया था, बैटिंग करते हुए बिना खाता खोले आउट हो गए, उसके पहले वाले मैच में बैटिंग अच्छी की थी, बॉलिंग में विकेट नहीं मिला था, और इनको अगर आप समझेंगे तो पहली इनिंग के लिए बेहतर बैटिंग ऑप्शन है सेकंड इनिंग के कंपैरिजन में, बॉलिंग स्ट्राइक रेट दोनों इनिंग्स का बिल्कुल सिमिलर, और जब बॉलिंग स्ट्राइक रेट की बात आती है
तो उसको अगर आप समझें तो एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँ, जैसे गिराल कुर्जी एक बॉलर हैं जिनको विकटें अगर आप देखें तो मिली हैं पिछले 5 मैचेस में 6, और इनका अगर आप देखेंगे तो पहली इनिंग में भी 11 गेंदे लगाते हैं, सेकेंड इनिंग में भी 11 गेंदे लगाते हैं एक विकेट निकालने में अपने पूरे T20 करियर में। तो चाहे पांड्या हो चाहे कुर्जी हो, दोनों ही इनिंग्स के लगभग सिमिलर बॉलिंग ऑप्शंस हैं। वो अलग बात है कि गिराल कुर्जी को तो विकटें मिलती ही मिलती हैं, जबकि वहीं पर हार्दिक पांड्या को विकटें उतनी नहीं मिलती स्ट्राइक रेट के हिसाब से। बाकी टीम डेविड का भी फॉर्म जो कि काफ़ी अच्छा है, मोहम्मद नबी का फॉर्म भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद पीयूष चावला को भी उतनी विकटें इस सीजन में नहीं मिली हैं, 2 ही विकटें पिछले 5 मैच में। जसप्रीत बुमराह इनको भी उतनी विकटें नहीं मिल पाई, खास करके पिछले 5 मैच में 4 विकटें हैं जिसमें से 3 बार विकेटलेस हैं। और इनिंग के हिसाब से देखें तो दोनों ही इनिंग्स के लिए काफ़ी अच्छे बॉलिंग ऑप्शन होते हैं जसप्रीत बुमराह। इसके बाद नुवान थुसारा है, पिछले 3 मैच में 1 ही विकेट है, 14 और 15 का स्ट्राइक रेट है इनिंग के हिसाब से। लियो कूट का भी देख लीजिए, रोमारियो सेफर्ड, आकाश मढ़वाल और सुरेश गोपाल का भी पूरा का पूरा रिसेंट फॉर्म और करियर इनिंग के हिसाब से देख करके आप यहां पर एनालाइज कर सकते हैं कि किसको किस इनिंग के लिए आपको टीम में अपने रखना है। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे हेड टू हेड स्टैट्स की तरफ और फर्दर इन्हीं सभी चीज़ों को और खास करके इनिंग वाइज एनालिसिस को और भी यहां पर स्ट्रेंथन करके हम देखेंगे और अपना एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि एक्चुअली किस इनिंग के लिए कौन बेहतर ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। वहीं पर अगर आप हेड टू हेड को देखें मुंबई की तरफ से कि मुंबई के जो प्लेयर्स हैं कैसा खेलते हैं, केकेआर के खिलाफ जब मैचेस खेलते हैं T20s में, तो रोहित शर्मा का बैटिंग एवरेज शानदार है, 43,000 से ज़्यादा रन है, 29 का एवरेज है ईशान किशन का, 47 का एवरेज है सूर्य कुमार का, जबकि तिलक वर्मा का 3 मैच में 74 रन है, 38 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, जबकि नेहल वडेरा एकमात्र मैच में फ्लॉप रहे। हार्दिक पांड्या का बैटिंग एवरेज और बॉलिंग दोनों ही जबरदस्त रहा इस टीम के खिलाफ, ना सिर्फ बल्ले से 56 का एवरेज है जबकि बॉलिंग करते हुए भी 11 विकेट हैं 12 मैचेस में। तो जो टॉप ऑर्डर है नेहल वडेरा को छोड़ करके साथ ही साथ इनके जो ऑलराउंड सेक्शन हार्दिक पांड्या कप्तान जो है जबरदस्त रहे इस टीम के खिलाफ। और उसको इनिंग के हिसाब से भी देखें तो रोहित शर्मा पहली इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी कमाल रहे हैं, पहली इनिंग में तो प्रॉपरली 50 के आसपास का बैटिंग एवरेज है, सेकेंड इनिंग का 38, जबकि ईशान किशन को दिक्कत हुई है पहली इनिंग में, जबकि सेकेंड इनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन है। वहीं पर सूर्य कुमार यादव दोनों ही इनिंग्स में शानदार खेले हैं केकेआर के खिलाफ, खास करके पहली इनिंग में। वहीं पर तिलक वर्मा के जो नंबर्स अच्छे रहे हैं वो भी रहे हैं पहली इनिंग के अंदर, एक इनिंग में 38 नाबाद की पारी, जबकि 2 इनिंग्स जब इन्होंने बैटिंग की है सेकेंड इनिंग में तो केवल 36 रन बने हैं, वहां पर उतने बेहतर आंकड़े हैं नहीं। और नेहल वडेरा का तो जो 6 रन आया है सेकेंड इनिंग की बैटिंग में आया है, जबकि हार्दिक पांड्या पहली इनिंग की बैटिंग में भी सेकेंड इनिंग की बैटिंग में भी 50+ का एवरेज है, बॉलिंग का जो स्ट्राइक रेट है वो सेकेंड इनिंग का थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन पहली इनिंग का भी इतना बेहतर है कि आप इनको टीम में रख सकते हैं, कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। इसके बाद टीम डेविड के 2 मैच पर 37 रन है, जो कि सारा का सारा रन आया है सेकेंड इनिंग की ही बैटिंग में, जो कि एक बार नॉट आउट भी रहे हैं। मोहम्मद नबी के 2 मैच पर 2 विकेटें हैं, दोनों विकेटें आई हैं पहली इनिंग के बॉलिंग में केकेआर के खिलाफ। और वैसे भी आपको ध्यान हो मोहम्मद नबी का यूज थोड़ा सा बढ़ सकता है आज के मैच में, चूंकि लेफ्ट हैंडर्स हैं ठीक ठाक नंबर्स में है मोहम्मद, अगर आप देखें सुनील नारायण भी हैं, उसके बाद वेंकटेश अय्यर भी आते हैं, रिंकू सिंह तो हैं ही, तो 3 लेफ्ट हैंडर तो कन्फर्म सामने की टीम में होते हैं जिनके खिलाफ मोहम्मद नबी का काफ़ी अच्छा यूज हो सकता है। बाकी पीयूष चावला के 12 मैच में 11 विकेट हैं, जो कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बेहतर है, हालांकि ओवरऑल बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है। गिराल कुर्जी पहली बार खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह के आंकड़े भी शानदार है, 16 मैच में 20 विकेटें, 12 विकेटें पहली इनिंग में, 8 विकेटें सेकेंड इनिंग में, लेकिन उसमें भी पहली इनिंग में बेहतर हैं 15 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद एक और प्लेयर आते हैं 6 मैच में 5 विकेटों के साथ, श्रेयस गोपाल, जो कि सेकेंड इनिंग में थोड़े से बेहतर रहे हैं इस टीम के खिलाफ, ओवरऑल आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं। तो बैटर्स ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है केकेआर के खिलाफ, जब भी मुंबई इंडियंस के बैटर खेलते हैं उसमें से बॉलर अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक नबी पांड्या तो हैं ही और जसप्रीत बुमराह, बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस बाकी खिलाड़ियों को है नहीं इस टीम के खिलाफ खेलने का। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप वेन्यू के आंकड़े देखें कि अपने होम ग्राउंड पर मुंबई के यही प्लेयर कैसा परफॉर्म करते हैं, तो रोहित शर्मा के आंकड़े यहाँ पर भी बेहतरीन है, ईशान किशन का थोड़ा सा एवरेज ही है, सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पर जबरदस्त रहे हैं। इसके बाद आते हैं नीचे तिलक वर्मा की तरफ, तो इनके भी आंकड़े ठीक ठाक हैं, नेहल वडेरा के भी ठीक ठाक हैं, हार्दिक पांड्या के आंकड़े जबरदस्त हैं इस मैदान पर। इसके बाद नीचे आए तो टीम डेविड ने भी 43 के एवरेज रन बनाए, मोहम्मद नबी के भी 4 मैच में 60 रन है 3 विकेटें हैं, गिराल कुर्जी के भी 4 मैच में 6 विकेटें हैं 17 में 12 विकेटें हैं, पीयूष चावला के 41 मैचेस खेल चुके हैं 47 विकेट ले चुके हैं बुमराह, जबकि मुरमारियो सेफर्ट के 4 मैच में 1 विकेट है 66 रन है, आकाश मटवाल के 7 मैच में 11 विकेटें और 9 मैच में 4 विकेटें हैं सुरेश गोपाल के। और इसको फर्दर अगर आप इनिंग के हिसाब से समझे तो इस वेन्यू पर रोहित शर्मा दोनों इनिंग्स में बेहतर ऑप्शन रहे हैं, जो कि आपने करियर में भी देखा था, आपने हेड टू हेड में भी देखा था कि दोनों इनिंग्स की काफ़ी अच्छी बैटिंग रही है, नंबर्स थोड़े से ऊपर नीचे रहे हैं कम ज़्यादा, लेकिन
काफ़ी बेहतर रहे हैं दोनों इनिंग्स में इक्वली, तो उस हिसाब से दोनों इनिंग्स के काफ़ी प्रॉपर ऑप्शन होते हैं। ईशान किशन का एक पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा कि सेकेंड इनिंग की बैटिंग के लिए ज़्यादा बेहतर पिक रहेंगे आज के इस मैच में। सूर्य कुमार यादव दोनों इनिंग्स के लिए बिल्कुल उसी तरह से बेहतरीन ऑप्शन होंगे। तिलक वर्मा एक बार फिर से सेकेंड इनिंग के लिए, हालांकि इनका आपने हेड टू हेड देखा पिछले पेज में, तो वहाँ पर पहली इनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन थे। तो अगर तो नंबर चार पर बैटिंग करते हैं तो पहली इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और निहल वडेरा ठीक उसी तरह से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे शुरू से ही सेकेंड इनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन, बाकी हार्दिक पांड्या चाहे पहली इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग, हालांकि इस वेन्यू पर देखेंगे तो बैटिंग इनका पहली इनिंग का बेहतर रहा है, बॉलिंग सेकेंड इनिंग का। तो ये एक कॉमन फैक्टर बनता है कि कम से कम पहली इनिंग की बैटिंग और सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में तो आप इनको जरूर पिक कर सकते हैं अपनी टीम में कप्तान वाइस कप्तान के रूप में। बाकी मोहम्मद नबी का आपके सामने है, नीचे गिराल कोर्ट जी के जो नंबर अच्छे हैं वो सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर हैं, पहली इनिंग में उतने अच्छे नहीं हैं, तो सेकेंड इनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन होंगे। बाकी पीयूष चावला दोनों इनिंग्स के लिए इक्वली, हालांकि आंकड़े बहुत अच्छे हैं नहीं। बाकी बुमराह का देखेंगे तो इनका भी दोनों इनिंग का स्ट्राइक रेट बिल्कुल सिमिलर है। और नीचे आते चले तो आकाश मढ़वाल एक अच्छे इंप्रेसिव आंकड़ों के साथ आते हैं, जो कि फिलहाल तो खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली आकाश मढ़वाल काफ़ी अच्छे चॉइस होंगे, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग की। तो मुंबई की तरफ से सभी प्लेयर्स के बारे में सारे आंकड़े देख लेने के बाद आगे जब हम केकेआर की तरफ बढ़ें तो केकेआर के प्लेयर्स का जो रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो उसमें से जो इनके ओपनर है खास करके चाहे फिलिप साल्ट की बात करें चाहे सुनील नारायण, दोनों ने काफ़ी अच्छे स्टार्ट्स दिए हैं रिसेंट टाइम में। दोनों का करियर आप इनिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि दोनों इनिंग्स के लिए दोनों ही खिलाड़ी काफ़ी बेहतर पिक है, और खास करके फिलिप साल्ट तो जब चेज कर रहे हों और ओस गिर रही हो मैदान पर तो और भी बेहतर पिक हो जाते हैं कप्तान या वाइस कप्तान के रूप में। अंगकर सरगवंशी पिछले दो तीन मैच से उतनी अच्छी मौके इनको मिले नहीं है, जबकि जब मौके मिले तो अच्छी बैटिंग की थी। ये हमेशा वाइल चेजिंग बेहतर ऑप्शन होते हैं पहले बैटिंग करने के कंपेरेटिव। और बाकी श्रेयस अय्यर के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो फॉर्म अच्छा चल रहा है। बाकी इसके बाद यहाँ पर वेंकटेश अय्यर ने भी अच्छा योगदान दिया पिछले दो मैच में, खास करके बैटिंग ऑर्डरिंग का काफ़ी ऊपर नीचे होता रहा है, रिंकू सिंह कभी ऊपर कभी नीचे, उस वजह से बेहतर परफॉर्म कर भी नहीं पाए हैं। इसके अलावा आंध्र असल का देखेंगे तो पिछले तीन मैच में एक ऐसा मैच गया था जो कि काफ़ी अच्छा रहा था, पिछले दो मैचेस उतने अच्छे नहीं गए हैं। उनका भी आप करियर देख सकते हैं इनिंग के हिसाब से ठीक उसी तरह से मिचेल स्टार्क हैं, काफ़ी महंगे रहे हैं, विकटें भी उतनी नहीं मिली है, पिछले पाँच मैच पाँच विकटें जरूर हैं, पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग में स्ट्राइक रेट बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन एक जो नया नाम है चेतन सागरिया का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। पिछले जो दो मैचेस इन्होंने आईपीएल के पहले ही खेल रखा है, आईपीएल में अभी तक मौका मिला नहीं है, तीन विकटें ले रखी हैं। इनका करियर देखा तो पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग का बॉलिंग स्ट्राइक रेट बिल्कुल सिमिलर है, लगभग पहली इनिंग के लिए ज़्यादा बेहतर पिक है। वरुण चक्रवर्ती ने लास्ट वाले मैच पर तीन विकेट लिया था, सेकेंड इनिंग के लिए बेहतर पिक है, हालांकि यहाँ पर जो ओस गिरती है वो इनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देगी। वैभव अरोड़ा एक ऐसे बॉलर है जो पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, जब ये खेलते हो तो मेरे टीम में भी होते हैं, लास्ट वाले मैच में भी थे, दो विकेट लिया भी था और बेहतरीन बॉलिंग अभी तक रही है, स्ट्राइक रेट 18 का है। बाकी अनुकूल रॉय, सुयश शर्मा, नीतीश राणा और दुष्मंता चमीरा, इन चारों बेंच के प्लेयर्स के नंबर्स भी आपके सामने है, चाहे करियर की बात कर ले इनिंग के हिसाब से और चाहे रिसेंट फॉर्म की, इसको भी देख करके आप अपना डेफिनेटली पूरी तरह से एक फैसला कर सकते हैं कि किसको कहां पर लेना है, किसको कहां पर छोड़ देना है। फर्दर उसी को थोड़ा सा हम और आगे इलेबरेट करें तो जो हेड टू हेड के आंकड़े हैं इन्हीं केकेआर के प्लेयर्स का मुंबई के खिलाफ जब ये लोग खेलते हैं तो उसमें अगर आप देखें तो फिलिप साल्ट तो नहीं खेले, सुनील नारायण के 23 मैच में 28 विकेटें हैं, तो बॉलिंग से ही ज्यादातर इस टीम के खिलाफ असरदार रहे, उसमें भी सेकेंड इनिंग में खास करके जहां पर 13 का स्ट्राइक रेट है। और आपको मैं बता दूं सुनील नारायण एक ऐसे ऑप्शन है जो अगर ओस भी गिरी हुई हो पिच पर या मैदान पर तो प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा खास इनकी बॉलिंग में आता नहीं है, कम से कम स्ट्राइक रेट तो इनका काफ़ी बेहतर रहेगा। पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट इनका इंटरेस्टिंगली बहुत खराब है मुंबई की टीम के खिलाफ, तो कब इनको पहली इनिंग की बैटिंग और सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर पिक होंगे। हालांकि इसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर की तरफ, तो इनका बैटिंग एवरेज है 28, जिसमें पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज बेस्ट है, सेकेंड इनिंग का उतना अच्छा है नहीं। लेकिन साथ ही साथ एक और जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, भले ही केकेआर के कप्तान है लेकिन पूरी जिंदगी इन्होंने जो क्रिकेट खेली है इसी ग्राउंड पर खेली है वानखेड़े में मुंबई की तरफ से, तो इनका होम ग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आज के इस मैच के लिए रहेंगे। बाकी उसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर, जिनका मुंबई के खिलाफ परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, चार मैच में 250 रन, 104 का हाईएस्ट स्कोर, 73 का एवरेज पहली इनिंग का, 103 का एवरेज सेकेंड इनिंग का, और ये वन ऑफ द डिफरेंशियल पिक्स में से एक हो जाते हैं। रिंकू सिंह के आंकड़े उतने कम इंप्रेसिव है नहीं, आंदर रसल के भी आंकड़े ठीक ठाक से हैं, अगर आप इनिंग के हिसाब से देखें तो पहली इनिंग की बॉलिंग भी और बैटिंग भी बेहतर रही है। बाकी मिचेल स्टार्क के पांच मैच जो 6 विकेट हैं उसमें से ज्यादा बेहतर बॉलिंग हुई है सेकेंड इनिंग के दौरान, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चूंकि हमेशा मैं इनको केवल वाइल बॉलिंग फर्स्ट ही अपनी टीम में लेता हूं, बॉलिंग सेकंड में लेता नहीं, आगे भी उसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। चेतन सगरिया के दो मैच में एक विकेट है जो कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में आया है 36 के स्ट्राइक रेट से, बाकी वरुण चक्रवर्ती के 6 में 5 विकेट हैं। नंबर्स तो आपको दिखाई पड़ेंगे कि सेकेंड इनिंग में मुंबई के खिलाफ अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखिए वेन्यू कहां पर है उसको भी ध्यान में रखना है। बाकी वैभव अरोड़ा के एक मैच में एक विकेट है, एक मैच पर दो विकेट हैं सुयश शर्मा को जो कि सेकेंड इनिंग में आई है, और बाकी भी जो नीचे दो प्लेयर और हैं बेंच के उनके भी आंकड़े आप देख सकते हैं। और फाइनली
वेन्यू की तरफ चले, वानखेड़े स्टेडियम के इस मैदान पर तो कौन से बैटर या बॉलर कितना प्रभाव छोड़ते हैं, तो सुनील नारायण यहाँ पर भी बेहतर है, 14 मैच में 13 विकेट हैं। और यहाँ पर भी आप एक जो कॉमन चीज़ देखेंगे तो सेकेंड इनिंग में बेहतर रहे हैं, इवन इस मैदान पर भी, चाहे हेड टू हेड देखें चाहे मैदान पर देखें, आंकड़े सुनील नारायण के काफ़ी अच्छे हैं। और जैसे खिलाड़ी हैं जैसे फॉर्म में हैं, इनको तो आपको लेना ही लेना है, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग बॉलिंग हो चाहे कुछ भी हो। इसके बाद आते हैं आप नीचे श्रेयस अय्यर की तरफ, तो 42 का एवरेज हो जाता है इनका अपने होम ग्राउंड पर, जैसा कि आपको मैंने कहा भी था यहीं पर ये बेहतर खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है जहाँ पर चेज बेहतर करते हैं, और अभी आपने पीछे हेड टू हेड में देखा था तो पहली इनिंग की बैटिंग एवरेजिंग की बेस्ट थी। तो एक ऐसे ओवरऑल प्लेयर निकल करके आते हैं जहाँ पहली इनिंग की बैटिंग और सेकंड इनिंग की, इनको टीम में लेके जाना ही है। वेंकटेश अय्यर के आंकड़े यहाँ पर भी शानदार हैं, खास करके पहले बैटिंग करते हो, यहाँ पर सेकंड बैटिंग में नहीं चले हैं। 27 जो दो मैच में बनाए हैं रन, रमनदीप ने सेकंड इनिंग में ही आया है। रिंकू सिंह के चार मैच में 87 रन है, जो कि 42 नबाद का जो बेस्ट पारी आई है वो सेकंड इनिंग की बैटिंग में आई है। रसल के आंकड़े भी यहाँ पर ठीक उसी तरह से हेड टू हेड की तरह। इसके बाद आते हैं मिचेल स्टार्क, दो मैच में केवल एक विकेट है, वो भी सेकंड इनिंग में आया है, वो भी स्ट्राइक रेट है केवल 24 का। चेतन सगरिया के सात मैच में 8 विकेटें आई हैं, अगर ये खेलते हैं तो पहली इनिंग के बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि सारी विकेटें इनकी केवल पहली इनिंग के बॉलिंग में आई है। बाकी वरुण चक्रवर्ती के 5 में 5 विकेट हैं, और इंटरेस्टिंगली ये यहाँ पर भी ओस के बावजूद सफल रहे हैं सेकेंड इनिंग के बॉलिंग में। और इसके बाद आते हैं अनुकूल रॉय, सुयश शर्मा जिनके एक मैच पर 2 विकेट है, वो भी इसी मैदान पर, वो भी सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। और उसके बाद यहाँ पर नीचे हैं 29 के एवरेज के साथ नीतीश राणा, और 5 में जब 5 विकेट हैं दुष्मंता चमीरा के। तो ये सारे प्लेयर एनालिसिस कर लेने के बाद, ये समझ लेने के बाद, कंक्लूजन लेने के बाद कि कौन सा प्लेयर किस इनिंग के लिए आपके लिए प्रेफर्ड होगा, आगे अगर हम बढ़ें और प्लेयर बैटल को भी देखते चलें कि कौन सा बॉलर किस बैटर को ज़्यादा परेशान करता रहता है, जिसमें सबसे पहले मुंबई इंडियंस के बैटर वर्सेज केकेआर के बॉलर को देखें, तो रोहित शर्मा 8 बार आउट हो चुके हैं सुनील नारायण पर, 1 बार चेतन सकरिया, 1 बार सुयश शर्मा पर, तो तीनों पर ही आंकड़े खराब है। हालांकि इसमें से सुयश के चांसेस तो है नहीं, लेकिन चेतन सकरिया अगर खेलते तो जरूर इंटरेस्टिंग रहेंगे। बाकी ईशान किशन, वैभव अरोड़ा पर 1 बार, सुनील नारायण पर 1 बार, 1 बार वरुण चक्रवर्ती, 2 बार मुजीब पर, तो बेसिकली ऑफ स्पिन पर आंकड़े के वैसे भी खराब रहते हैं। वैभव अरोड़ा की स्विंग बॉलिंग पर भी इनको दिक्कतें रही हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा और आंद्रे रसल पर आउट हुए, जिसमें से रसल के खिलाफ इनके आंकड़े अच्छे हैं, हर्षित राणा तो खेलेंगे नहीं। बाकी स्काई की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती पर 1 बार और रसल पर 2 बार ठीक ठाक रन बना करके आउट हुए हैं। इसके बाद कोलकाता के बैटर्स की बात करें तो नुआन थुतारा ने फिलिप साल्ट को 1 बार आउट करके रखा हुआ है 8 रन देकर के। तो फिलिप साल्ट अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई ध्यान रखना है आपको, तो वहां पर आपको टीम में नहीं रखना है। बाकी सुनील नारायण, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस गोपाल पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर का देखेंगे तो बुमराह पर इन्होंने अच्छे खासे रन बना रखे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या पर आंकड़े कमजोर हैं, लेकिन बाकी श्रेयस गोपाल और पीयूष चावला को भी बेहतर खेला है। और वेंकटेश अय्यर को देखेंगे तो बुमराह पर और कुमार कार्तिकेय पर 1-1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी अंदर रसल हैं जिनके आंकड़े जसप्रीत बुमराह के खिलाफ काफ़ी ख़राब हैं, पांड्या पर ठीक है, लेकिन रोमारे सेफर्ट पर भी 1 बार आउट हो चुके हैं। बाकी रिंकू सिंह ये भी जसप्रीत बुमराह पर 2 बार आउट हो चुके हैं। तो बुमराह भी एक ऐसे नाम दिखाई पड़ रहे हैं कंसिस्टेंटली, जो कि एक तगड़े नाम हो सकते हैं आज के इस मैच में विकेट निकालने के परस्पेक्टिव में, तो कप्तान एवं कप्तान के भी काफ़ी बेहतर चॉइस होंगे। फिलहाल के लिए जो हमारी टीम बन पा रही है आज के इस मैच की वो आपके सामने है, जिसमें आप कप्तान एवं कप्तान अपना इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने प्लेयर को बदल भी सकते हैं। हालांकि जो मैं अपनी फाइनल टीम दूंगा वो तो आपको मैं टेलीग्राम के चैनल पर दूंगा, ये आपको मैंने बताया ही है, वही टीम हमारी फुल और फाइनल अपडेट के साथ आएगी वो जो टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, तो उसको जाकर के जरूर ज्वाइन करिए। लिंक टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मैंने दे दिया है, तो पूरा वीडियो देख लीजिए, सारी क्लैरिटी आपको, सारा जो डाउट होगा वो आपका दूर हो जाएगा, और टीम अपनी आप बना पाएंगे ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों की। और इस पूरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा, जो कि 2000 लाइक्स पूरे करने हैं आपको, तो वो पूरे हो जाते हैं तो अपना भी मोटिवेशन अच्छा रहता है, और 6 ग्रैंड लीग की टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।